चलिए भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और कैसे हो दोस्तों आप सब लोग, क्या हाल है? चलिए तो सबसे पहले दोस्तों ये बताओ, आवाज वगैरह क्लियर आएगी? साउंड ओके है? सबसे पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो तो दोस्तों, सबसे पहले तो भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो है, अभी हमारा एग्जामिनेशन हो चुके हैं क्लर्क वगैरह के, है ना. अब हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस आएंगे फ्यूचर में, जैसे कि अब RBI असिस्टेंट है, हो सकता है जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. SBI क्लरिकल भी आ सकता है. तो उन्हीं सभी को फोकस करते हुए जो है, हम ये प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस सीरीज इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. और इसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो चलिए दोस्तों, कहानी को करते हैं शुरुआत, ठीक है. और सभी को नमस्कार. हेलो हेलो, करण जी कैसे हैं आप? ठीक है, जल्दी से सारे दोस्त जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना शुरू कर दीजिए. देखो दोस्तों, जब तक कमेंट नहीं करोगे, इंट्रैक्शन नहीं बन पाएगा, है ना. तो कमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. चलिए, गुड मॉर्निंग भाई आशीष डॉन, क्या बात है, नाम ही बड़ा खतरनाक है भाई आपका तो. गुड मॉर्निंग मधु जी, कैसे हैं आप? सभी को नमस्कार दोस्तों. और सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है. और करते हैं फिर कहानी को शुरुआत. पारुल जी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अब अगली स्लाइड पे क्वेश्चन होंगे, है ना. वहाँ पे आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में. एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्त, एक छोटा सा कष्ट देना चाहूँगा आपको. एक काम कीजिएगा, एक कॉपी ले ले लो और एक पेन ले लो, बस इतना काम कर लो, ठीक है. और जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे कमेंट में आंसर देंगे, अगर आप सही दे रहे हैं तो उस पर इस तरीके से टिक कर देना, गलत दे रहे हैं तो इस तरीके से टिक कर देना, ठीक है. इतना आप करो, फिर लास्ट में देखो कितना मजा आता है. लास्ट में जब हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अबाउट 40 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो हम पता करेंगे आपने कितना अच्छा स्कोर किया है. पता चलेगा आपको भी आखिर हमने कितना, जो मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, है ना, बैंकिंग पढ़ते हैं, उसमें क्या हमारा स्टेटस चल रहा है, ठीक है दोस्तों. चलिए, गुड मॉर्निंग रोशन जी, गुड मॉर्निंग. तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप सभी दोस्तों के लिए. क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन आए पढ़िए तुरंत, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है. मेरे पढ़ने का वेट मत करना, ये मत सोचना कि सर पढ़ेंगे फिर पूरा होगा तब होगा. मैं तो पढ़ूंगा फटाफट और आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर देना शुरू कर दीजिए. लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने. अभी क्वेश्चन ये है कि पट्टा डक्कल डांस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, मतलब कौन से राज्य में होता है. पांच ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर आपका है तेलंगाना, या कोई भी नहीं. चलिए मधु जी बोल रही है कर्नाटक पे ताला लगाएं. ओके मधु जी. और स्टूडेंट बताओ, जल्दी लिखो सारे दोस्त, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम देखते हैं क्या है सही आंसर. लीजिए दोस्तों, बिल्कुल. तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक. बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने कर्नाटक आंसर दिया, वेरी गुड आंसर. तो ये पट्टा डक्कल डांस फेस्टिवल आपका पट्टा डक्कल में ही होता है, और ये की जगह पड़ती है कर्नाटका में, ठीक है, याद रखिएगा. चलिए आगे देखते हैं. लो भाई, गरबा कहाँ का फेमस डांस है? वाह, इस क्वेश्चन को अगर जो बच्चा गलत जवाब देगा उसकी तो दोस्तों सच में पिटाई होनी जरूरी है ना. पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, या कहीं का भी नहीं. इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. गरबा तो पता होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए. गुजरात इसका सही जवाब है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने दोस्तों, ये तो आपको पता ही है. अगला क्वेश्चन भाई, ये बताओ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, बताओ दोस्तों. पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और द वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये है तेरा क्वेश्चन. देखो देखते हैं क्या आंसर है. मधु बोल रही है FCI पे ताला लगाओ, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पे. पारुल भी सी के साथ जाना चाहेंगे, देखते हैं करेक्ट आंसर. अरे वाह, कमाल कर दिया आप सब दोस्त ने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब. तो इसको दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही क्या हो गया, एक सेकेंड, इसे जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. चलिए, एक सेकंड को कुछ हो गया था फ्लक्चुएट. हाँ, अगला क्वेश्चन भाई, ये बताइएगा, अकॉर्डिंग टू द
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR के अनुसार कितना ज्योग्राफिकल एरिया हमारे देश का फॉरेस्ट और ट्री से कवर है, ये है कर रहा क्वेश्चन। कितने परसेंट एरिया देश का बताओ फॉरेस्ट और ट्री से कवर है। पहला ऑप्शन है 61 पॉइंट, ऑप्शन तो बड़े प्यारे हैं भाई, 21.62, 22.62, 23.62, सब में लास्ट में 26.2 है। चलिए मधु जी बोल रही है 24 वाले पे ताला लगाओ, पारुल भी 24 के साथ जाना चाहेंगे, देखते हैं। अरे वाह गजब कर दिया आप सबने, दिल जीत लिया दोस्तों, वेल डन परफॉर्मेंस। बिल्कुल 24.62% ज्योग्राफिकल एरिया था हमारा, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन भाई, जनवरी 2022 में इनमें से एक प्राइवेट बैंक है जिसको अभी हाल ही में दर्जा मिला है RBI के द्वारा कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेगा CBDT और CBIC के बिहाफ पर, बताओ कौन सा बैंक है। याद रखना जनवरी 2022 के अनुसार बात चल रही है, एक्सिस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक, जल्दी बताओ दोस्तों क्या लगता है कौन से बैंक को RBI ने दर्जा दिया है। RBI तो खुद ही क्वेश्चन में है बेटा, RBL तो है भी नहीं इसमें। चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लीजिए। तो सही जवाब है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक को भी हाल ही में RBI के द्वारा दर्जा दिया गया है, याद रखें। मधु जी RBL तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ना दिया तो RBL कहाँ से लगाओगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या है, SIB यानी कि साउथ इंडियन बैंक। ऐसे क्वेश्चन दुखी करते हैं, वो इसलिए दुखी करते हैं दोस्तों क्योंकि RBI समय समय पर इनको लाइसेंस या परमिशन देता रहता है, इसलिए है ना। चलिए RBL याद है वो तो है, मैं मानता हूँ। चलो भाई, इंडिया का पहली हेली हब डिजाइन कौन सी सिटी है जिसको इंडिया का पहला हेली हब डिज़ाइन करा गया है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हुए, हैंगर्स हुए, रिपेयर्स हुआ, ये सारी सर्विसेज दी जाएंगी, बताइए दोस्तों। गुरुग्राम, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर या जयपुर, जल्दी बताओ। मधु जी बोल रही है हैदराबाद पे ताला लगाएं, पारुल जी बोल रही है गुरुग्राम पे ताला लगाएं, पूजा जी बोल रही है गुरुग्राम पे ताला लगाएं, देखते हैं क्या है सही जवाब। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में ही पहला हेली हब बनाएंगे देश का, याद रखें। बहुत बढ़िया करण जी, वेरी गुड पूजा जी, बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन सा इंडियन एयरपोर्ट जो 8 नंबर पर रहा है 8वें स्थान पर लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। तो ये पूछा गया है कौन सा नंबर का एयरपोर्ट 8वें नंबर पर रहा है, बताइए दोस्तों क्या लगा है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, छत्रपति शिवाजी या बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बताओ कौन से के साथ जाना चाहोगे। जल्दी जल्दी लिखो सारे दोस्त, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए देखते हैं, सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ओके लो है, तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन्होंने चेन्नई वाला जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, इस तक करेक्ट आंसर याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हमारे टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट में रहा है ऑन टाइम डिपार्चर के मामले में देखा जाए तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं बताओ भाई। KVIC ने अभी यूज एंड थ्रो स्लीपर बनाए हैं हैंडमेड पेपर से, मतलब इन चप्पलों को पहनो और फेंक दो, है ना। जैसे कि आजकल हम डिवोटीज वगैरह जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो काम करते हैं उनके लिए। तो ये बताओ KVIC किसके अंतर्गत काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री पूछिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MSME, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या फिर आपका कुछ भी नहीं, बताओ दोस्तों क्या लगता है आपको सही आंसर इसका। मधु जी बोल रही है सी पे ताला लगाए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाला, चलिए देखते हैं। और स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। लो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये है सही जवाब, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूजा जी, तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड का बिजनेस इंक्यूबेटर है दोस्तों लाइव, है ना, अभी कुछ समय पहले की ही न्यूज़ है लाइव वाली। इसने MOU साइन किया है स्टार्टअप फंडिंग के लिए एक बैंक के साथ, वो कौन सा बैंक है बताओ, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक या कैनरा बैंक, जल्दी बताओ दोस्त फटाफट। इंडियन बैंक के साथ जाना चाहेंगे, ओके मधु जी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं, बी करण जी बोल रहे हैं, पारुल जी ए के साथ जाना चाहेंगे, तो करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक, बहुत बढ़िया दोस्तों जिन्होंने इंडियन बैंक जवाब दिया, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ लीजिए।
भाई कौन है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो स्पेन में हुआ था उसमें, बताओ दोस्तों क्या लगता है? सात्विक सिराज सी, साई परिणीत जी, केदांबी लक्ष्य सेन और पारूपल्ली, किसने जीता है सिल्वर मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, बताओ दोस्तों। मधु बोल रहे हैं केदांबी को ताला लगाएं। ओके और स्टूडेंट बताओ जल्दी जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में आंसर, देखते हैं फिर सही जवाब। ओके पूजा जी बोल रही है ई पे ताला लगा दो। ओके पूजा जी और बच्चे बताओ, चलो देखते हैं सही जवाब। भाई करेक्ट आंसर है किदाम्बी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभी हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत ने ही जीता है सिल्वर मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पेन में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिन्होंने ये दिया है किदाम्बी वाला, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाई, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हमारा स्पेन में हुआ है वुमेन्स टाइटल में गोल्ड मेडल किसने जीता, ये पूछा है आपसे इस बार। ताई ने जीता, पीवी सिंधु ने जीता, अकाने ने जीता, चैन यू ने जीता, नोजोमी ने जीता, बताओ किसने जीता। जोर से सोचो, सोचो जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में आंसर, किसने जीता। ताई ने जीता, अच्छा मधु बोल रही है ताई के साथ जाऊंगी मैं। चलो और बच्चे बताओ दोस्तों क्या लगता है आपको। पारुल भी ताई के साथ जाना चाहेंगी, चलो देखते हैं। अरे भैया जे का हो गयो, ये तो ताई ने धोखा दे दिया तुम्हें, ताई तो हार गई थी इसमें दोस्तों। हाँ किसने जीता था, अकाने ने जीता था, याद रखना अकाने यामागुची, और ताई को हराया था इसमें, ठीक है उल्टा हो गया, चाई ताई ने तुम्हें धोखा दे दिया इस बार, तो याद रखना अकाने ने जीता था, ताई को लपेटा था, ठीक है। चले बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती करोगे दोस्तों सीखने को मिलेगा, एग्जाम में गलती करोगे तो ताई जी निपटा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन भाई ये बताओ, गुड गवर्नेंस वीक जो है अभी 20 से 25 दिसंबर तक बनाया गया था, है ना, तो इसका थीम क्या था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताओ दोस्तों। प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन फ्रॉम द बीनीथ, प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक, क्या खतरनाक ऑप्शन है दोस्तों, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, या फिर कोई भी नहीं, बताओ इसका थीम क्या था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है तो एक बार में सही जवाब दे दोगे दोस्तों, बताओ क्या लगता है। बहुत बढ़िया, तो पहला ऑप्शन है इसका सोचने क्या है, प्रशासन गांव की ओर है, गुड गवर्नेंस वीक हमारा 20 से 26 दिसंबर तक बनाया गया था, याद रखिएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इनमें से किस बैंक ने अभी बैंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है ना उनको सर्विस देगा, बताओ कौन सा बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, इक्विटस और हमारा ईएसएफ, बताओ दोस्तों क्या लगता है। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी करंट में ही था दोस्तों चर्चाओं में कि इक्विटस ने भी महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है और ये वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ना अब उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि उनको अलाउंसेस हो गए, है ना, उनके अकाउंट हो गए, ये सब आपके प्रोवाइड करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में कौन से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, बताओ दोस्तों। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, अमेजन पे, अरे कहीं पे भी पे कर दो, बस पे करो, है दोस्तों किस पे करोगे आप बताओ किसके साथ जाना चाहोगे, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। फोन पे जाओगी, मधु बोल रही है फोन पे ताला लगाओ, पारुल भी बोल रही है फोन पे ताला लगा दो सर जी, अरे इसी बात पे सही जवाब दे दिया आप सबने, बिल्कुल आजकल हम फोन पे ही पड़े रहते हैं दोस्तों सही जवाब है फोन पे ही लगे रहो। चलिए अगला क्वेश्चन लो भाई, ये बताओ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA जो है उसने अभी स्ट्रेस लोन्स को डोमेस्टिक लेंडर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करने के लिए कमेटी बनाई है ना, तो उस कमेटी के हेड कौन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। श्यामलो गोपीनाथ हैं, जी पद्मनाभन जी हैं, अजय कुमार हैं, दीपक साहब हैं, चौधरी साहब हैं, बताओ दोस्तों किसके साथ जाना चाहोगे, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दे करो आप, जल्दी जल्दी से, सोचा मत करो, सोचने का नहीं सीधे आंसर देने का है, कमेंट में लिखो। वेरी गुड, देखते हैं जी।
बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही जवाब है, पद्मनाभन साहब इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन बताओ। लो भाई, सेबी ने अभी नोटिफाइड किया है, सेबी म्यूचुअल फंड नवंबर की बात है, अब वो ETF हमारे कौन से उस पर लाएगी, मतलब गोल्ड पर, प्लेटिनम पर, डायमंड पर, ब्रॉन्ज या सिल्वर, कौन से ETF लाने की बात बोली गई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑन, जल्दी बताओ। ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको करंट वाली क्लास में, अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो। बिल्कुल सही जवाब है सिल्वर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो गोल्ड की ना भी सिल्वर पे चलो तो ETF गोल्ड नहीं है, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च करा है मर्चेंट पार्टनर के लिए, बताओ दोस्तों। सोचो, भारत पे, पेटीएम, रेजर पे, पॉलिसी बाजार और इंस्टा मोजू, बताओ कौन है इनमें से जिसने वर्ल्ड का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मर्चेंट पार्टनर्स के लिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर है भारत पे पे करेंगे हम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड। ये बताओ दोस्तों, पहले इंडियन टू व्हीलर कंपनी कौन है जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का मेंबर बन गई है, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर, हिंदुस्तान मोटर, फोर्स मोटर और TVS मोटर, बताओ कौन सा मोटर है, किसके साथ जाओ, लिखो सारे दोस्त कमेंट में आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, TVS मोटर के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है TVS मोटर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मैं ये बताओ, अभी निकारागुआ हुआ जो देश है, इसके लगातार चौथी बार प्रेसिडेंशियल टर्म किसने जीता है, बताओ दोस्तों। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, बड़े खतरनाक नाम है इनके, लोरेंजो वोलेटा, अर्नाल्डो डेनियल और एनरिक, क्या नाम है भाई साहब, बताओ किसके साथ जाओगे, सोच समझ के आंसर देना, पांच में से किसको चुने साथी अपना लीजिए। करेक्ट आंसर है डेनियल ऑर्टेगा, वैसे इनका पूरा नाम है दोस्तों बड़ा ही प्यारा, जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेंद्रा, ये है इनका पूरा नाम। तो इन्होंने लगातार चौथी बार निकारागुआ के इलेक्शन जीत लिए हैं, याद रखना दोस्तों, निकारागुआ की कैपिटल भी याद होना चाहिए और करेंसी भी याद होना चाहिए, करेंसी खतरनाक है इसकी, कॉर्डोबा, तो कैपिटल है मानागुआ, है ना। चलिए आगे, अभी हाल ही में किस देश ने अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल्स फॉर एयर टैक्सी सर्विस को टेस्ट किया है बताओ दोस्तों। पहला ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, चाइना, USA और मलेशिया, किसने टेस्ट किया है अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल फॉर एयर टैक्सी सर्विस सोचो, कोरिया के साथ जाओगे, जापान के साथ जाओगे, पूजा जी, चलो देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है तो कोरिया इज द करेक्ट आंसर है, और कैपिटल यहाँ के सियोल, करेंसी वॉन और मून जे यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन बताओ दो, कौन सा एडिशन अभी इंडो थाई कॉर्पेट हुआ था इंडियन नेवी और रेबल थाई नेवी के बीच में नवंबर 2021 में, अभी दोस्तों एक्सरसाइज हुई थी मेरे टाइम, तो ये बताओ किसके बीच में हुई थी, बताओ 20वें नंबर का एडिशन था, 15वां, 32nd, सेकेंड हुआ है 30 या 34th, कौन से नंबर का एडिशन था दोस्तों, सोचो, जो अभी कॉर्पोरेट हुआ था इंडिया और थाई के बीच में, 32nd लगाना चाहेंगे मधु, चलो देखते हैं, बिल्कुल 32, बिल्कुल 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 सही जवाब है, तो 32nd नंबर का एडिशन था इंडिया और थाई के बीच में, याद रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आर्मी चीफ जनरल है प्रभु राम शर्मा जी, अभी इनको जनरल ऑफ इंडियन आर्मी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक अवार्ड दिया है ना, तो ये बताओ कौन से देश के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी अवार्ड मिला है रामनाथ कोविंद जी ने, कहाँ के हैं ये प्रभु राम शर्मा जी सोच समझ के जवाब देना शर्मा जी, सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, कौन से कोयले के प्राणी हैं, नेपाल के, जापान के, भूटान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, तो बहुत अच्छी न्यूज़ भी थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, गांधी जी ने भी सही जवाब दिया है, नेपाल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड परफॉर्मेंस दोस्त, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल शर्मा जी भाई, ये बताओ CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे जो 2021 का हुआ था उसमें इंडिया कौन से नंबर पर रहा रैंकिंग पूछिए,
30, 45, 35, 40 या 50, कौन से नंबर पे भारत की रैंकिंग रही? जल्दी बताओ दोस्तों, क्या लगता है सही जवाब? पता नहीं, कोई बात नहीं, तो याद रखना दोस्तों, इसमें हमारा इंडिया कौन से नंबर पर रहा था? 40वें नंबर पर रहा था 2021 मर्जर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अमित शाह ने लॉन्च किया है मोदी वैन, सेवा ही संगठन प्रोग्राम के तहत, तो ये बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है? सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौशाम्बी, रायबरेली, कुशीनगर, अलीगढ़ या कानपुर, कहाँ पे लॉन्च करी है मोदी वैन, सेव मोदी वैन लॉन्च करी है, बताओ कहाँ लगता है आपको सही जवाब इसका? चलो देखते हैं। नीचे, बिल्कुल, तो याद रखना दोस्तों, ये कौशाम्बी, बहुत बढ़िया पारुल जी, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में 5 मोबाइल मेडिकल वैन को लॉन्च करा है, जिसको मोदी वैन का नाम दिया है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भाई। एक बुक है एक्चुअली आई मेट देम आर मोर, इस किताब के ऑथर पूछे हैं किसने लिखी है? पहला ऑप्शन ए आर रहमान, शबाना आजमी, गुलजार, शंकर महादेवन और चेतन भगत, बताओ दोस्तों इनमें से कौन है इंसान जिसने इस किताब को लिखा है? क्या लगता है आपको? एक्चुअली आई मेट देम, चलो देखते हैं भाई किसने लिखी है। बिल्कुल, गुलजार साहब ने लिखी है, बहुत बढ़िया दोस्त, बिल्कुल पारुल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। चेतन जी नहीं है मधु बेटा, पारुल का जी सही बोल रहे हैं, गुलजार है। चलिए आगे ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन। लो भाई, इनमें से स्टेट है जिसने लॉन्च करा है प्रशासन गांव के संग, गांव के संग है इस बार और नहीं है कैंपियन, जिसमें कि गवर्नमेंट सर्विस को रिमोट विलेज एरियाओं तक पहुंचाएंगे, बताओ किसने लॉन्च किया है गांव गांव तक सर्विस पहुंचाने के लिए? बिहार ने, यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल, राजस्थान ने, बताओ दोस्तों। प्रशासन गांव के संग, राजस्थान के साथ जाना चाहेंगे पारुल जी, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जिन्होंने राजस्थान को चुना है, बहुत बढ़िया, वेल डन परफॉर्मेंस, राजस्थान सरकार ने ही प्रशासन गांव के संग कैंपेन चलाया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बताओ लीजिए। इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सरल बचत बीमा योजना या प्लान निकाला है, बताओ सरल बचत बीमा प्लान? SBI, इंडिया फर्स्ट, ICICI, HDFC या रैली गेयर, क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी जवाब दो सारे फ्रेंड्स। चलिए, तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इंडिया फर्स्ट है, याद रखना दोस्तों, वेरी गुड, बिल्कुल पारुल जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो जिन दोस्तों ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जवाब दिया, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन अभी हाल ही में नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC के चेयरमैन बने हैं? NRDC के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं बताओ? पवन कुमार गोयनका, अमित रस्तोगी, प्रतिभा मोहपात्रा, एम वेणुगोपाल या विनोद कानन जी, बताइए कौन बने हैं नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन? लो, और करेक्ट आंसर है दोस्तों, बहुत बढ़िया, अमित रस्तोगी साहब, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, रस्तोगी साहब जी को इनको बनाया गया है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, उबर कप 2021 किस देश ने जीता है जापान को हराकर, बताओ उबर कप किसने जीता? वियतनाम ने जीता, थाईलैंड ने जीता, इंडोनेशिया, मलेशिया या चाइना ने जीता, बताओ दोस्तों किसने जीता उबर कप? चलिए, तो करेक्ट आंसर है, जानी दुश्मन ने जीता है दोस्तों, ये जापान को हराया है, चाइना ने जीता है, याद रखना, किसको हरा दिया? जापान को हराया है, ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इनमें से अभी हाल ही में पुनर्वाज अवार्ड दिए गए हैं 75 डिफरेंशिएबल अनेबल कैंडिडेट को अंत्योदय दिवस पर, तो किस मंत्रालय ने दिए हैं ये पूछा है आपसे, बताओ दोस्तों? होम अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, यूथ अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या लगता है? हुनरवाज अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? चलो देखते हैं करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो याद रखना दोस्तों, यह है रूरल डेवलपमेंट, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, बिल्कुल, जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट चुना है सही जवाब, उसके ही द्वारा दिए गए हैं हुनरवाज अवार्ड, और 75 डिफरेंशिएबल पर्सन को दिए गए हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
दोस्तों ये बताओ, स्वीट कुकुम्बर जो है अभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है ना, तो ये कहाँ का है स्वीट कुकुम्बर? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश का है, नागालैंड का है, केरल का है, उत्तराखंड का है, कहाँ चलें, किसका है स्वीट कुकुम्बर? ये तो खाया भी होगा तुमने। बिल्कुल सही बात, नागालैंड का है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब दिया पारुल जी, मधु जी ने, वेरी गुड, वेल डन। अगला क्वेश्चन भाई, अभी हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए चेयरमैन 21 से 22 के लिए चुने गए हैं, बताओ क्या नाम है उनका? त्रिपाठी साहब, गौरव साहब, निखिल जी, रजनी जी और देव पात्रा जी। जल्दी बताओ दोस्तों, क्या लगता है सही जवाब? किसके साथ जाना चाहोगे? चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दिया है देवव्रता मुखर्जी साहब। बिल्कुल सही जवाब है, देवव्रता मुखर्जी साहब इसके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। बिल्कुल, इनमें से किसको मिला है मोस्ट वोट अमंग लिस्टेड कंपनीज इंडिया? ठीक है, ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के मामले में, बताओ दोस्त। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को, एसबीआई को, यस को, या फिर हमारा कोटेक को? चलो देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप ध्यान देंगे तो एचडीएफसी बैंक इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लीजिए भाई, अभी हाल ही में एनसीसी के नए डीजी बने हैं, है ना, डायरेक्टर जनरल, बताओ दोस्तों क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह, नरेंद्र सिंह, मल्होत्रा साहब, एम मायादास और ए बनर्जी, कौन बने हैं नए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। किसके साथ जाना चाहोगे जल्दी से बताओ? हु इज द प्रेजेंट? जल्दी बताओ दोस्तों, फटाफट लिखो। चलिए देखते हैं, बिल्कुल गुरबीर पाल सिंह इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ भाई, अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पे आतंक मचाया था, है ना, तो साइक्लोन का नाम बताओ? अम्फान, गति, गुलाब, प्रभाजान और हमारा कौन सा है अम्बुद, कौन सा साइक्लोन था बताओ दोस्तों, अभी आया था हाल ही में। चलिए ये तो पता ही होगा, इसका नाम बड़ा प्यारा था, गुलाब, गुलाबो आई थी, गुलाबो, है ना, तो साइक्लोन गुलाबो आई थी, याद रखिएगा, इन्होंने सबको बर्बाद करा था गुलाबों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लीजिए भाई, अभी एक आकाश जो मिसाइल है उसका एडवांस वर्जन जो है अभी सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है ना, तो उसका नया जो मिसाइल है एडवांस वर्जन, इसका आकाश मिसाइल का, उसका नाम पूछा है, बताओ नाम क्या है? आकाश फाइन, आकाश डिलक्स, आकाश A1, आकाश अटैक और आकाश प्राइम, वाह क्या नाम है दोस्तों, बताओ किसके साथ जाना चाहोगे आप? चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऐसी कोई है ही नहीं प्राइम के अलावा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नीचे भाई, ये बताओ अभी जो न्यू कुरिकुलम आया है स्कूल्स के लिए, उसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैनल बनाया है ना, जो नए कुरिकुलम या सिलेबस को देखेगा, तो उसके हेड कौन है? अशोक लवास जी, कस्तूरी रंजन जी, चैन सातोकी जी, राज किरण राय जी या साहिल जी, बताओ दोस्तों। चलिए के साथ जाओगे मधु? चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो इसरो के चीफ रह चुके हैं मिस्टर, फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो हैं के कस्तूरी रंजन साहब, इनको ही द्वारा ही कहा गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, वड़ा कोलम ये जो है महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट, उसकी एक वैरायटी है, वहाँ पे वड़ा होता है, वड़ा में, वड़ा एक जगह है वहाँ पे होता है वड़ा कोलम, क्या है मतलब किस चीज़ की वैरायटी है? टर्मरिक है, जिंजर है, कॉटन है, राइस है, क्या है बताओ दोस्तों? वड़ा कोलम इसको जीआई टैग मिला है, चलो देखते हैं, याद रखना दोस्तों ये चावल का नाम है, क्या है? इट इज अ राइस, वेरी गुड, राइस खाओ मोटे हो जाओ, बिल्कुल सही जवाब, चावल है, याद रखिएगा, वड़ा कोलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ भाई, इंडिया का लार्जेस्ट कॉरपोरेट बाई रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू के अनुसार, विजले न्यूज स्कोर रैंकिंग के अनुसार बात करा जाए, तो बताओ दोस्तों कौन है, किसको मिला है लार्जेस्ट कॉरपोरेट, कौन सा है? टाटा मोटर, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या वोडाफोन आइडिया, बताओ दोस्त जल्दी बताओ किसके साथ जाना चाहोगे?
चलिए देखते हैं। और ये है भैया एक ही हीरो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने रिलायंस दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लो भाई, अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा स्वारा कुद्दू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है ना दोस्तों, तो ये बताओ कहाँ हुआ है स्वारा कुद्दू? कौन से स्टेट में? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? जल्दी बताओ कौन से राज्य में है स्वारा कुत्तू? ये तो भी न्यूज़ में भी था, सोचो सोचो। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। 111 मेगा वॉट का प्रोजेक्ट था, इसकी कॉस्ट 2080 करोड़ थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, लीजिए भाई, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे बताओ आज आपने कितने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए? मधु जी बोल रहे हैं 26 और 10 है, ऐसा है? 26 सही जवाब है मधु जी, जल्दी बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, 10 रॉन्ग हुए, चलिए कोई बात नहीं। और स्टूडेंट अदर ने क्या करा? हम तो बताते जा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अदर स्टूडेंट बताओ, 26 राइट है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मधु, बहुत बढ़िया। और अदर स्टूडेंट पारुल जी ने गिने, जल्दी बोलो पारुल बेटा। यही तो बात है, गिनते विनते नहीं हो तुम, सब गंदी बात करते हो फिर हैं। कुछ लोग तो शुरू में भाग जाते हैं क्लास से, कौन पढ़े इतनी मेहनत, कौन करेगा, कौन देगा आंसर क्वेश्चनों के आंसर हैं दोस्तों। चलिए भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है। पारुल जी ने बोला 7 रॉन्ग है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने भी, वेल डन। चलिए चलिए, कल भी मिलेंगे हम इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे, कल कॉपी पेन लेके पहले बैठ जाना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चल, और ये अभी कुछ 27 तारीख से, कल से दोस्तों नए कोर्स आए हैं, मेरा भी आया है शाम को 8:30 बजे, आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, आना शुरू कर दो ना अकेडमी पे। और दूसरी चीज, कोई भी स्टूडेंट अगर अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो दोस्तों आपको अब तो आस्क इट आउट फीचर जो है हमारा उस पर मिल चुका है, वेब पे मिल चुका है ना, डेस्कटॉप पे भी आप लेते हैं। और अन अकेडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेते कर रहा हूँ जो एवरी संडे होता है 10 बजे, है ना। और कोई भी स्टूडेंट अगर सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव, इसको शेयर करना मत भूल जाना। चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे, है ना। अभी दोस्तों एक बात और बताऊँ मैं आपको, अभी 12:30 बजे क्लास है मेरी अन अकेडमी पे प्लस पे, वहाँ पे करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, तो उसमें आप आइए सारे दोस्त, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे 11:30 बजे इसी समय आप सबके साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।